गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है योगिता बोरा और आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं एक नई ब्लॉग के साथ आ रही हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर में। तो मौसी यानी मम्मी की बहन, तो मम्मी से पूछती हूँ कि आज मम्मी को कैसा लग रहा है, वो अपनी बहन के घर में जा रही हैं। तो मैं मम्मी से घर में अपनी पहाड़ी भाषा में बोलती हूँ, अपने उत्तराखंड की भाषा में बोलती हूँ वैसे घर में, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो भी मैं मम्मी के साथ बात करूँगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज मम्मी के साथ हिंदी में बात करूँगी आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नॉन उत्तराखंडी हैं कुछ, तो मैं उनके लिए हिंदी बोलूँगी। तो चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी से पूछती हूँ कैसा लगा उनको। पहले तो दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। ये है मम्मी। मम्मी हेलो करो। हेलो कैसे हो बोलो सब लोग। कैसे हो सब लोग। तो ये है मम्मी। तो बता मम्मी, आज आप अपनी छोटी बहन के घर जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहनों को मुलाकात हो जाएगी। तो मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं अपने घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम निकल गए हैं। A few moments later. तो हम लोग निकल गए हैं और बैठ गए गाड़ी में। अभी बज रहे हैं 4:30, तो 4:30 बजे निकल रहे हैं। कितनी देर में पहुंचेंगे हम मौसी के घर में? 1 घंटा। 1 घंटे में पहुंचेंगे हम लोग। तो पीछे बैठी है मम्मी और ये रहा दर्शिल और हस्बैंड। तो अब हम चलते हैं, पहुंच के आपको मिलते हैं। A few moments later. फरीदाबाद मार्केट में पहुंच गए हम लोग और हस्बैंड मेरे ले रहे हैं फ्रूट्स बच्चों के लिए और चिप्स ले रहे हैं। तो उसके बाद निकलते हैं घर में। तो हम लोग पहुंच गए मौसी के घर में फरीदाबाद। तो हम 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, मम्मी लोग बैठे हैं अंदर। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर लूँ। तो जब हम आर्मी एरिया के अंदर आ रहे थे तो मैंने अपना बिल्कुल ब्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि आर्मी के एरिया के अंदर का मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से कोई भी कहीं भी पहुंचा सकता है। तो मैंने इसलिए वो बिल्कुल बंद कर दिया था फ़ोन। जो दादा है हमारे मौसी के बेटे, वो आर्मी वाले हैं। तो मौसी डीडीहाट में रहती, मौसी का डीडीहाट में घर है इन लोगों का। तो मौसी अभी अपने बच्चों के साथ आई है इधर, तो मम्मी उनसे मिलने के लिए आई है इधर। तो अगर मैं कुछ ब्लॉग शूट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो चलती हूँ अंदर और मौसी लोगों से भी, मौसी लोगों को आपको दिखाती हूँ कि ये मौसी है जिनके बारे में मैंने बताया था, मम्मी की छोटी बहन। देखो दोनों बहनें कितनी अलग अलग हैं। दोनों चाय पी रही हैं। तो अब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी मौसी को, क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं तो बात करने देते हैं। ये मौसी हमारी बहुत सुंदर है, हमारी मौसी देखो। ये है मेरी जेठानी, मौसी की बहू, क्यूट सी, और जितनी बड़ी है दिख रही है उतनी बड़ी इनकी बेटी है, और सब लोग इनको कहते हैं बहने। और बाहर जाती हूँ, दादा को दिखाती हूँ। दादा क्या कर रहे हैं? अरे दादा कहाँ हो? तो हम लोग आंगन में बैठे हैं दादा के। दादा ने जला रखी आग और मौसी के बहु बेटे हैं ये। दादा आर्मी में है जैसे मैंने आपको बताया था। हेलो। ये दोनों जो दादा हैं उनके बच्चे। यस बेबी, ये बेटी है उनकी और ये बेटा है। हेलो गुरु बेटा। हेलो, हेलो। आपका नाम क्या है बच्चा? मेरा नाम ऋत्विक है। ओके okay, और इसका नाम क्या है? ताचू। ये देखो मेरे दादा दर्शन। ये है हमारे। हेलो गुल्लू। हेलो। मैं दादा के घर से थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ। तो ये देखिए
रास्ते, कितने सुनसान रास्ते हैं आर्मी के अंदर। तो मेरा इनसे वैसे भी पुराना लगाव है इस आर्मी क्वार्टर से, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो हम लोग आर्मी क्वार्टर में रहते थे। तो दादा यहाँ पे इंजीनियर हैं, तो दादा अभी गए हैं अपने ऑफिस में, तो हम लोग थोड़ा सा टहल रहे हैं दादा कहते कि। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही शांत, एकदम शांत इलाका है आर्मी के अंदर, तो मस्त लग रहा। देखिए खाना खा के वॉक करने, The next day. Good morning, हो गई है सुबह। तो कल मौसी ने चिकन बनाया हुआ था, बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। आज भी मौसी बनाएगी हमारे लिए और हम इधर हैं। और मेरे साथ में है मेरी जेठानी, जिसको आपने कल मेरे ब्लॉग में देखा हुआ था, कल जो छोटी सी क्लिप थी उसमें देखा था। और यहाँ पे मेरी जेठानी बना रही है पराठे। किस चीज़ के हैं पराठे? मेथी के पराठे, मेथी आलू के पराठे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है खा के। कुछ बोलोगे दीदी? बस सर्दियों में मेथी के पराठे खाओ और हेल्थ बनाओ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पराठे। ये बनता हुआ पराठा सब लोग खा चुके हैं, बस हम दोनों रहे हैं। अब हम खाते हैं इसको, एंजॉय करते हैं अपना खाना। आप भी खाइए, सेहत बनाइए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में नींबू के साथ। A few moments later. ये मामी चौक बना रही है, ये बहू और ये यहाँ से दीदी और दादा आए थे, ये भी उधर ही गए बलतीर के। ये रही मम्मी, तो हम ना चौक खाते हैं। आंगन में इतना प्यारा अमरूद लगा हुआ है, मैंने इसका भी शूट कर लिया। कहाँ पर है अमरूद? ये रहा, देखे नहीं रहा। अच्छा, ये और ये चिड़िया का घोंसला है, देखो आंगन में बनाया हुआ है चिड़िया ने, टूटा हुआ है। Okay. Later. ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन, और ये प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन है। अभी से मसाला नहीं पड़ा है, पहले मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर डालूंगी इसमें मसाले चिकन के। और दादा मेरे बगल में फिश भी, आज फिश बनाने वाले दादा फिश धो रहे हैं। और इधर तो देखो, तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन, और साथ में आलू भी बन रहे हमारे। और उसके बाद ये रहे आलू। तो इसके बाद अगर भुन जाता है, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ चिकन। और बताइए अगर आपको मेरे ये जो भुना हुआ है वो पसंद आए आपको मसाला, तो बताना, मैं आपको शेयर कर दूँगी रेसिपी। ये तैयार हो गया मेरा चिकन। तो बाहर जला दिया, बाहर चलते हैं। क्या कर रहे हैं अंदर? चिकन मैरिनेट और फिश मैरिनेट, उसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे। और दादा ने पूरा रखा हुआ है बारबेक्यू करने के लिए, और ये मस्त आग जल रही है। हेलो करो, क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है? तो फिर ऐसा क्यों? चलो ये बन रहे आलू। बोलो दादा, ये बन रहे आलू सीजन के लिए। और ये बन रहा है, देखो ये हमने चिकन मैरिनेट कर दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, तंदूर में पकाएंगे। मस्त। अभी फिश नहीं हुआ ना दा? फिश को मैंने करो ना, अभी से मारे हमने कट। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। मस्त देखो, ताकि ये अच्छे से अंदर मसाला भी जाए और पक भी जाए। तो अब ये चल रही है मछली की तैयारी। ये चल रही है मछली की तैयारी, हमारी आधी मछली रह गई, कोई बात नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे इतना। तो पहाड़ी लोग ठहरे बलम। हाँ बिल्कुल ठहरे, चल जानी बेबल। तो यू बनो उमदन दादा हमार मच्छा। आज क्या क्या ढाल लागना मच्छा मच्छी हमारे यहाँ बोला जाता है ढाल लागना मच्छ। तो आज देखते हैं क्या क्या ढाल लागना मच्छ। तो मस्त अभी होंगे मैरिनेट, उसके बाद मैं आपका बाहर का दिखाती हूँ जब दादा उसको बारबेक्यू करेंगे। तो जेठानी मेरी बनाती है आलू, सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। नहीं वो नहीं खाएंगे आलू। तो आलू इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो मेरे साथ गए थे दादा क्रॉसिंग वाले मामा के बेटे, उनकी वो लोग भी आ रहे हैं। हम लोग कल आ गए थे, वो लोग अभी आ रहे हैं, गेट पे पहुंच गए लोग।
तो जो उनकी हमारी जो जेठानी है उनकी वाइफ, तो उनको वो नहीं खाती, चिकन फिश वगैरह नहीं खाती है। हाँ ठीक है, तो उनके लिए इसलिए हमारे चावल का बैटर, इसकी हम बनाएंगे चावल की रोटियां। हमारे पहाड़ में जब त्योहार होता है तो हम लोग चाल मास की रोटियां बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। अब इसको हम इसको भी खाएंगे। तो ये हमारी जेठानी है जो मामा के बेटे हैं, उनकी बहू जो दादा मेरे साथ आए थे नोएडा से हल्द्वानी, उनकी वाइफ है ये। हाय। तो ये है मेरी जेठानियाँ, पहली तो आपको दिखा दी थी मैंने, और दूसरी ये है। और जितनी सुंदर मेरी जेठानियाँ हैं उतना ही सुंदर उनका दिल है। तो अभी तो हाँ जी। तो अभी तो सिर्फ दो जेठानियाँ हैं, अभी आनी बाकी है नहीं यहाँ पे, वो उत्तराखंड में ही अभी। तो उनके पास जब जाऊंगी तो दिखाऊंगी, जितनी जेठानियाँ मेरी सुंदर हैं उतना ही उनका प्यारा सा दिल है वैसे। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, देखती हूँ दादा बाहर देखू कर रहे हैं। ये हैं जो हमारे क्रॉसिंग वाले दादा हैं, उनका बच्चा देखो मुझे भी दिखा। मुझे इसको ऐसे देखना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक? सब ठीक। ये दूसरी तरफ हमारी जेठानी भेलपुड़ी बनाती हुई, सब लोग मिलके खाना बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये मम्मी और मौसी बैठे हैं। ये मेरे जेठ जेठानी मौसी के बहू बेटे डांस करते हुए। ये हमारे होस्ट एक बार इनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा बिजी हैं अभी इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा बात कर सकते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? अरे बहुत और लग तो बहुत बढ़िया रहे, लेकिन आप खा बहुत ज्यादा रहे हैं आजकल। अभी तो अभी शुरू भी नहीं किया है। शुरू नहीं किया अभी, कहाँ शुरू किया? और ये मच्छी आपकी ज्यादा नहीं चल गई? नहीं क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो जल्दी बोलो। मम्मी मौसी ऋत्विक और दर्शील लूडो खेलते हुए, दोनों बहनों के दोनों नाती। ये देखो चला इधर। तो अब हम लोग जा रहे हैं, जाने की तैयारी है। मम्मी नीचे बैठी हुई है, तैयार हो रही है। दीदी लोग तैयार हो गए, मौसी चूक बना रही है, तो चूक खा के चलते हैं फिर आज घर को। कैंजा हमारी यहाँ पर चूक बना रही है।
निकल रहे हैं से, अब गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। मौसी हमको टीका लगा रही है। तो हम निकल गए मौसी के घर से, ये रही मम्मी और ये गाड़ी चला रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अब। और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है आज हमारी योगिता, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा है अपनी देवराज जेठानी से बिछड़ने के बाद। बेचारी इमोशनल हो गई है, बहुत देर रोने के बाद दोबारा से ब्लॉग बना रही है। कोई बात नहीं, हमने उनको, हम प्लान कर रहे हैं उनको सैटरडे को अपने घर बुलाने के लिए। दोबारा मिल जाएंगे, चिंता मत करो, रो मत अब।